हेलो गाइस, हैप्पी होली आप सभी को। तो इस बार की होली कुछ स्पेशल थी हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे घर में एक नाना सा मेहमान आया है, सो हमारे लिए होली इस बार समझो डबल होली हो रही थी हमारे घर में। तो और सेकंड थिंग कि कोई 12-14 साल बाद होली सेलिब्रेट करने का टाइम मिला। 2009 से दुबई में गए थे, कभी कोई चांस नहीं लगा कि होली के टाइम हम वेकेशन में आए। तो इस बार की होली हम अपने फैमिली और गांव वाले बच्चों के साथ एक अलग से इंजॉय किया हमने होली सेलिब्रेट करने का। तो गांव के सभी बच्चों को मैंने बुलाया था कि कलर सब कुछ हमारी तरफ से होंगे, आप लोगों ने आना है। हम पिचकारी भी लेकर आए थे, पहले हमने कुछ पानी के साथ होली खेली, फिर हमने कुछ ड्राई कलर वगैरह भी एक दूसरे को लगाए, भरपूर इंजॉय किया। अच्छे से कलर लगाने के बाद फिर हमने कुछ पकवान वगैरह बनाए थे, उसका वीडियो भी हम साथ ही आपको दिखाएंगे। इस पकवान का एक अलग से वीडियो बताएंगे जो हमने राइस बनाए थे, फिर इसके साथ भी हम ऐड करेंगे। साथ में हमारे भाभी जी थे, सभी भाभी जी को भी हमने अच्छे से खूब कलर लगाया, उन लोगों ने भी अच्छे से हमको कलरफुल किया। सो गाइस, फाइनली हमने होली अच्छे से इंजॉय करके, हमने शावर वगैरह करके हम आए अपने किचन में, और किचन के भी हमारी ओपनिंग हो रही थी। किचन भी अभी हमने रिसेंटली बनाया है, सो साथ साथ में हम आपको अपना नया किचन भी दिखाते हैं। हम साथ साथ में अपने किचन में नए बर्तन क्रॉकरी वगैरह भी सेटिंग कर रहे थे, तो हमने सोचा साथ में किचन की ओपनिंग पर राइस भी बनाते हैं, अच्छे मीठे ड्राई फ्रूट वाले राइस बनाते हैं, और साथ में होली भी सेलिब्रेट हो जाएगी। और ये हमारी छोटी सी चुटकी फ्रिज के ऊपर बैठी हुई, तो हमने साथ साथ में हमारे बच्चे यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर रहे हैं कुछ जो हमने नए किचन में सामान सेटिंग करा था, साथ साथ में उसकी अनबॉक्सिंग करे जा रहे थे। ग्लास कपस प्लेट्स की ये रैक भी हमने रिसेंटली लगाया। सो सबसे पहले हमने राइस रखे राइस बॉयल करने के लिए। सो राइस बॉयल करने के बाद हमने पूरे बॉयल किए राइस को निकाल लिया एक बॉल में, शनिवार वाला बॉल है, हमने उसके अंदर सारे राइस को निकाला। अपने को राइस निकालने के बाद फिर हमने एक अलग से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की। एक कढ़ाई में हमने डाला थोड़ा सा देसी घी, देसी घी डालने के बाद हमने उसमें डाली 2-3 इलायची, उसमें डाली हमने 250 ग्राम शुगर, अच्छे से मिक्स किया। जब अच्छे से मेल्ट हो गई तो हमने उसके अंदर थोड़ा सा डाला दूध। दूध डालने के बाद हमने वो सारा मिश्रण डालना है राइस के अंदर, जो हमने राइस निकाले हुए थे उसके अंदर थोड़ा सा कुछ हमने फूड कलर ऐड किया, और जो ड्राई फ्रूट रखे थे वो सारे ड्राई फ्रूट को हल्का सा घी में रोस्ट करके
हमने उन सभी को राइस के अंदर ऐड किया और देखो कितना सा प्यारा चटक सा कलर आ गया हमारे राइस में। और जो बच्चे होली खेलने आए थे हमने उन सभी को मीठे से राइस खिलाए, बच्चों को बहुत पसंद आए, हर बच्चे ने दो दो बार राइस लिए। तो गाइस ये है ऐसी हमारी होली। वीडियो अच्छा लगे